राम भक्त हनुमान जी चिरंजीवी हैं और उन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि मारुति नंदन, पवन पुत्र, संकट मोचन आदि। माना जाता है कि हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार थे और उनके जन्म का उल्लेख भी कई सारी पौराणिक कथाओं में मिलता है। वहीं आज की इस वीडियो में हम आपको हनुमान जी के जन्म से जुड़ी एक ऐसी ही प्रचलित कथा बताने जा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले कॉमेंट सेक्शन में जय सियाराम जय हनुमान जरूर लिखें, हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हनुमान जी के जन्म की कथा बहुत रोचक है। वह माता अंजनी और वानर राज केसरी के पुत्र हैं। माना जाता है कि उनका जन्म कोई साधारण संयोग नहीं था, बल्कि देवतागण, नक्षत्र और सारे भगवानों के आशीर्वादों से पृथ्वी से पाप का विनाश करने के लिए ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। मान्यताओं के अनुसार माता अंजनी को यह वरदान मिला हुआ था कि उनका होने वाला पुत्र महादेव का अंश होगा। इसके अलावा एक मान्यता ये भी है कि जब बजरंगबली का जन्म हुआ था, उसी समय रावण के घर भी एक पुत्र ने जन्म लिया था। यह संयोग दुनिया में अच्छाई और बुराई का संतुलन बनाए रखने के लिए हुआ था। बात सत्युग की है, जब माता अंजनी एक जंगल में बैठकर पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की पूजा कर रही थी, वह हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके आराधना में लीन थी, तभी उनके सामने रखी कटोरी में एक फल आकर गिरा। माता अंजनी ने जब उस फल को देखा तो उन्होंने उसे प्रसाद समझकर उसका सेवन कर लिया। दरअसल जब माता अंजनी जंगल में पूजा कर रही थी, तब वहां से दूर अयोध्या में राजा दशरथ भी पुत्र प्राप्ति के लिए शिव यज्ञ करवा रहे थे। इस हवन के बाद पंडित जी ने राजा दशरथ की तीनों रानियों को एक एक फल दिया, जिन्हें खाने से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इन्हीं फलों में से एक छोटा सा अंश एक पक्षी उठाकर ले गया, जिसे उसने बाद में माता अंजनी के सामने रख दिया। इस प्रकार भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ था केसरी नंदन हनुमान जी का जन्म। तो दोस्तों, आपको हनुमान जी के जन्म की ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए हमारी इस वीडियो में इतना ही। बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।